नमस्कार, मैं जितेंद्र और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको चित्रकूट के एक श्रीधर आश्रम जो है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। और पता करते हैं यहाँ पर जो कमरे उपलब्ध हैं वो कैसे हैं और उसका किराया कितना है। तो ये है श्रीधर आश्रम, यहाँ से आप प्रवेश करते हैं। ये चित्रकूट में है और इसके अंदर जो है मैं अभी पता करूंगा कि कितना है एक दिन का किराया, उसके बारे में जानकारी आगे लेता हूं और फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि कितना किराया है। तो अभी ये श्रीधर आश्रम है जहाँ पे मैंने अभी बात की है। तो हालांकि अभी जो है वो यहाँ पर आश्रम में बहुत से लोग हैं जो कि कथा वगैरह कराते हैं, तो इस वजह से बुक है। यहाँ पर कमरा भी नहीं उपलब्ध है और एसी नॉन एसी दोनों है। 500 रुपये से नॉन एसी कमरा है और एसी जो है वो 2200 रुपये तक आपका जाता है। इनका मैंने फ़ोन नंबर ले रखा है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उनकी डिटेल्स दूंगा ताकि आप अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर फ़ोन करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि रूम उपलब्ध है या नहीं। और ये है ठीक रोड पे किनारे और यहाँ पे भी जो व्यवस्थापक है जिनसे मेरी बात हुई थी वो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, उन्हीं से मेरी बात हुई है। ये देखिए यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह लाना आपका ज़रूरी है, ये पूरा यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। और ये है इसका मुख्य द्वार। यहाँ पर जो है लोग दूर दूर से जो आते हैं वो यहाँ पर भागवत कथा जो है वो सुनने के लिए आते हैं। वो हॉल पूरा जो है वो बुक करवा लेते, पूरा जो है ये आश्रम बुक करवा के रखा है, जिसकी वजह से अभी और लोगों को यहाँ पर जो रूम की है सुविधा वो नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप आना चाहते हैं रूम के लिए, अगर श्रीधर में अगर आप पूछना चाहते हैं रुकने के लिए, तो आप पहले फ़ोन कर लें और फ़ोन करके तभी आएँ। अगर रूम उपलब्ध होगा तो आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पर श्रीधर आश्रम, जो कि अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।